परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब जो कि एक पर्क है इस कंपनी का, जिसमें आप काम करने वाले हो, एंड ये एक ऐसा रोल है बेसिकली जो आप घर से बैठे बैठे कर सकते हो। आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आप अगर कोई बैकग्राउंड से, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर फ्रॉम एनी ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और भी अलग अलग पर्क्स एंड सैलरी भी मैंने आपको थंबनेल में मेंशन कर दिया, वही सैलरी है डेफिनेटली, एंड सैलरी काफी अच्छी होती है। बैंगलोर में सेटल्ड कंपनी है एंड आपको रिमोट वर्क मिल रहा होता है, आप घर से बैठे बैठे काम कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफी अच्छी इंश्योरेंस के ऊपर आपको काम करना होता है, एक ऐसी कंपनी है डिटो नाम है कंपनी का, दैट इज अ इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस, पर्सनलाइज इंश्योरेंस, कस्टमाइज इंश्योरेंस आपको सजेस्ट कर रही होती है। सपोज आपको एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रहना है, आपको पता नहीं, आपने डिटो डाउनलोड किया, डिटो डाउनलोड या डिटो के वेबसाइट पे गए, वहां से आपने देखा कि हाँ क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें मेरे को लेनी है, किस टाइप की चीजें लेनी है, मेरा वर्क ऑक्यूपेशन क्या है, वो सारी चीजें करने के बाद आपने आपको एक सजेस्ट हुआ प्लान जो आप ले सकते हो। तो वही काम कर रहा होता है डिटो, एक फिनशॉट कंपनी है बेसिकली। फाइनेंशियल फिनशॉट कंपनी क्या होती है कि एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंस में भी हो और क्या नाम है, इन सब चीजों में जैसे लाइक टेक्नोलॉजी में भी हो, फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिला के वो बनती है फिनशॉट कंपनी, ठीक है। फिनटेक कंपनी भी कहते हैं, फिनशॉट कंपनी भी कहते हैं, ये सारी चीजें। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप कोई भी ग्रेजुएट, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैटर नहीं करता है, आपके पास मैक्सिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है तभी भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी एक ऑब्वियसली अलग अलग होगी, बट वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस पर, और अभी जाके अप्लाई मत करने लग जाना, बिकॉज इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना काफी डिफरेंट है। आप जस्ट यहां से अप्लाई करते हो उससे नहीं हो जाता है, आगे आपको अपना क्या नाम है, कुछ कुछ आगे प्रोसेस होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा, मैंने करके पहले भी दिखाया हुआ है। तो आप अगर देख रहे हो यहां तक वीडियो, लाइक कमेंट जरूर कर देना, डेफिनेटली अब काफी मेहनत लगती है सारी चीजों को लाने में, एंड हम लोग फुल प्रोसेस बता रहे होते हैं ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो कि एप्लीकेशन के बाद आपको ये टेंशन ना रहे कि मेरे को तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया। भैया एप्लीकेशन पूरा करोगे तभी तो आएगा, तो वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पे डिटो इज न्यू ऑफरिंग फ्रॉम फिनशॉट, ठीक है। फिनशॉट कंपनी है बेसिकली, एंड ये कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव के लिए हायरिंग कर रही है। एक फुल टाइम जॉब है, बैंगलोर कर्नाटका में लिखा हुआ है, बट नीचे जब जाओगे तो पर्क्स में साफ साफ लिखा हुआ है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क मतलब आप घर से बैठे बैठे रिमोटली काम कर सकते हो, कहीं से भी रिमोटली काम कर सकते हो, डजंट मैटर आप कहीं से बिलोंग करते हो। उसके बाद डिटो हैज बीन फीचर इन टॉप स्टार्टअप ऑफ 2022, काफी अच्छा स्टार्टअप है काम करने के लिए, एंड ज़ेरोधा इसका बैक कर रहा है। तो डेफिनेटली आप एक ट्रस्टेड कंपनी में अप्लाई करने वाले हो, अब वो कर रहे वाले हो, बिकॉज ज़ेरोधा लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है इंडिया का, एंड एक $1 बिलियन कंपनी है, डेफिनेटली एक यूनिकॉर्न है, काफी पहले बन चुका था, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग देखें यहाँ पे व्हाट वी डू एट डिटो। डिटो में करते क्या, वी हेल्प पीपल बाय द इंश्योरेंस, देन वी हेल्प एक्सप्लेन द पीपल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लैंग्वेज कैसे, उनके खुद के लैंग्वेज उनको अंडरस्टैंड करवाना, सारी चीजें बताना, क्लियर शॉट उनके चीजों को समझाना, दैट इज द थिंग्स दे आर। वी क्यूरेट द ऑफर पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन, तो आपको स्टार्टिंग में बताया होता है कि पर्सनलाइज चीजें उनको ऑफर की जा रही होती है, तो इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज बता दी कि आपका रोल बेसिकली क्या होने वाला है, आप किस टाइप की कंपनी में काम करने वाले हो। अब आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में बात कर लें। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं तभी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएट से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक्सेलेंट कस्टमर स्किल्स, सर्विस स्किल्स चाहिए, तो वो मैटर करती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप एंड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक्सेलेंट लिसनिंग एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली, दैट इज द मेन थिंग्स, जिन मेन चीज़ें उसको कहते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए अगर वो अप्लाई करने, एक एम्प्लॉय फुल टाइम की तरह घुसना आ रहा है इस कंपनी में, डेफिनेटली एक कैंडिडेट में लोग देख रहे होते, जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें देख रहे होते, तभी आप आगे बढ़ रहे होते हो, वो रेज्यूमे से देखते हैं वो लोग। उसके बाद फिर आपकी क्या क्या चीज़ें, आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, दैट वॉट यू विल बी डूइंग। अगर आप इस कंपनी में सेलेक्ट होते हो इस रोल के लिए तो आप क्या करने वाले हो, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। आप कॉल मॉनिटरिंग, यू विल बी वर्किंग एज वर्किंग विद कॉल मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट्स टू इम्प्रूव द क्यूरेट प्रोसेस जो है उसको आप बेटर करने में, गैदर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इम्प्रूव एडवाइजर इन परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक ऑन द क्वालिटी ऑफ द एडवाइजर रिकमेंडेशंस, उसके डेवलप कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें आपको वो चीज करनी है, बढ़ानी है। उसके बाद फिर यहाँ पे पर्क्स कुछ हैं, दैट इज इट इज अ रिमोट वर्क, आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सैलरी आपकी ऑलरेडी थंबनेल में मेंशन है, दैट इज 4.5 LPA, एंड अगर आप इसको लाइक वो करते हो, दैट इज अगर मान लो मैं आपके सामने यहां जाता हूं, कैलकुलेटर खोलता हूं एंड आपको दिखाता हूं कि हाँ 4,516,00 को अगर हम लोग डायरेक्टली 12 से नहीं डिवाइड करेंगे, हम लोग 15 या इससे डिवाइड कर रहे होते ताकि हमको एक
राउंड फिगर मिल रहा होता है कि अप्रॉक्स इससे ज़्यादा तो आएगा ही आएगा, तो 30,000 आपका बन रहा होता है, वैसे बेटर होता है लाइक आपको इन हैंड अप्रॉक्सीमेटली 35-36 आ रहा होता है अगर आपको वैसे बताऊँ एज अ फ्रेशर तो काफ़ी अच्छा है। कवर कंप्रेहेंसिव हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रहा होता है फॉर द फैमिली एंड द आपके लिए, ठीक है, आपको हेल्थ आपके लिए भी और फैमिली के लिए भी हेल्थ कवरेज मिल रहा होता है, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस जहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंडेटरी प्रोसेस क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपको एक रिकॉर्ड करने का सीवी रिकॉर्ड करना है जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट कर रहा होता है, वो सारी चीज आपको करनी है, रिकॉर्ड करके वहीं पर अपलोड करना है उनकी अलग से। जैसे आप अप्लाई करते हो आपको लिंक आ रहा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम लोग एप्लीकेशन वाले प्रोसेस पे जाएंगे, हम लोग रेज्यूमे से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आई कैन डायरेक्टली यहां पे सारी चीजें भर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल सेलेक्ट अ रेज्यूमे, जस्ट मैं एक सैंपल के लिए एक ऐसे ही पीडीएफ सेलेक्ट करूंगा, आप अपना रेज्यूमे यहां पे अपलोड करना सो दैट इट विल बी लाइक सारी चीजें वहां से सही से हो जाए। उसके बाद फिर मैंने यहां पे डाला फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, उसके बाद फिर यहां पे मेल आईडी डाला, दैट इज व्हाटएवर इज नेसेसरी कि हां जो चीजें मेरे को जरूरी है वो सारी चीजें मैं यहां पे डाल देता हूं, ठीक है, ऐसे करके एंड आई विल बी सेलेक्टिंग दीज थिंग्स बिकॉज ये सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं। ऐसे करके डाल दी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेरा 0 है, फ्रेशर हो तो 0 एंड नोटिस पीरियड आई कैन ज्वाइन राइट अवे, मतलब कि आप फ्रेशर हो तो आपको कोई भी कंपनी के नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना है कि हां इतने दिन रुक के फिर जा सकते हो उस कंपनी से, दैट मींस यू कैन अप्लाई इमीडिएटली। आप करंट सीटीसी आपका कुछ है तो वो डाल दो, अदरवाइज एनए फ्रेशर दिया हुआ वो टैप कर दो। उसके बाद आपको टेल अबाउट द इंस्टेंस जहां पे इंप्रूव, अब यहां पे आप चैट जीपीटी का हेल्प लो, चैट जीपीटी की हेल्प से आप क्या करो आंसर्स को बेटर करो, उसके बाद फिर अपने वर्ड्स में भी आप रिफ्रेश कर सकते हो, आप चैट जीपीटी वाला भी लाइक बेटर कर सकते हो, लाइक वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे चैट जीपीटी आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा होगा, वो अपन डायरेक्टली यहां से वो करके दैट इज आई विल डायरेक्टली कॉपी फ्रॉम हेयर एंड आई कैन पेस्ट इट, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया ऐसे करके कॉपी किया एंड यहां करके पेस्ट कर दिया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आप एक आइडिया भी ले सकते हो, आप पूरा आंसर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे होगे उस समय, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, उसके बाद सिमिलरली मैं ये करूंगा, आई विल कंप्लीट ऑल द आंसर्स, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं बिकॉज ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद ये टैप कर दिया, अब यहां पे जो भी आंसर देगा लाइक यहां पे ऐसे करके कॉपी करके जो भी देगा आप अपने आंसर से वो कर देना, क्यूरेट करके उसको अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि हाँ वैसा का वैसा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यू हैव टू क्यूरेट इट। क्यूरेट करने के बाद अपने हिसाब से आपका पर्सनल टच होना चाहिए उसमें बिकॉज वो सारी चीजें पढ़ते हैं लोग, ठीक है, जो एचआर होंगे वो पढ़ेंगे वो चीजें और मैटर करता है। अगर आपका वो एक्सपीरियंस दिख ही नहीं रहा होगा या वो इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा होगा आंसर्स में तो कैसे आपको आगे बढ़ाएंगे, तो उसका आपको मैटर करना है, मतलब वो मैटर करता है। उसके बाद कैसे पता चला, मेरे को यूट्यूब से पता चला, तो आपको जैसे यूट्यूब से पता चला यूट्यूब डाबा दिया, उसका प्रीवियस कोई रिस्पॉन्स था कि काइंडली शेयर द सोर्स, नो यहां पे मैंने नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे अपॉन सबमिटिंग द एप्लीकेशन रिसीव एक कंप्लीट स्क्रीनिंग के लिए, वीडियो स्क्रीनिंग के लिए आपका आता है एंड डायरेक्टली, अगर आपके पास मेल नहीं आता है तो आप स्पैम फोल्डर में चेक करो और उसके या तो आप ये मेल आईडी को सर्च कर लो अपने, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को काफी बार मैंने दिखाया हुआ है प्रोसेस, मैं आगे भी दिखाऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद तो यहां पे मैं सेम ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद मेरा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका मेल आईडी सही है, इसको चेक करने के लिए आपको अपने मेल आईडी पे, अब नेक्स्ट प्रोसेस एप्लीकेशन का क्या कि अपने मेल आईडी पे मैं जाऊंगा। मेल आईडी पे जाने के बाद आपको ये दिखेगा कि आप डायरेक्टली, जैसे यहां पे देख सकते हो ना, यहां मेरे एक्नॉलेजमेंट मेल आ गया। थोड़ा सा अपन जूम इन करेंगे, थोड़ी सी स्क्रीन ये है बड़ी है इस वजह से ऐसे शो करता है। मैं जूम इन किया तो यहां पे मेरा रिसीव हो चुका है कि हां एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है। अब मेरे को एक मेल आता है, वो कैसा आता है, अब मैं यही वाली मेल आईडी जो है वो कॉपी करके सर्च कर रहा हूं। अगर आपको नहीं आता तो आप कॉपी करके सर्च करो, वही लिखा था ना वहां पे, तो मैं कॉपी करके सर्च करूंगा, आई विल बी सीइंग दैट। यहां पे अप्लाई पे टाइप करूंगा तो वाली मेल आईडी मेरे सामने आ जाएगी एंड आई विल बी कॉपिंग दिस। कॉपी करने के बाद अपन यहां पे जाएंगे एंड यहां पे अपन टैप करके, या आपके स्पैम फोल्डर में भी जा सकता है, ऐसे करके मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा करके एक मेल आ रहा होता है, वो आपको थोड़ी देर बाद भी आ सकता है, या आप उनको मेल आईडी पे भी करियर डिटो पे भी मेल कर सकते हो। अब यहां पर रिकॉर्ड करना है, आपको सीवी रिकॉर्ड करना है। सीवी रिकॉर्ड आप कैसे कर रहे होगे, आपका मेल प्रॉपर आपका वो होना चाहिए, दैट इज अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहां पे अपन को वीडियो ऑन करनी पड़ती है, जस्ट मैं यहां पे दिखाऊं आपको कैसे मैंने पहले किया था। एज यू कैन सी हियर यहां पे मैंने प्रॉपर डाला था, आंसर्स आपको पोस्ट करने होते हैं, तो यहां पे देखो आई हैव अपलोडेड, मतलब आंसर्स के साथ मेरे को अपलोड करना है। उसके सिमिलरली यहाँ पे दूसरा आंसर रहेगा, तीसरा आंसर रहेगा, तीन या चार आंसर्स रहते हैं जो आपको करना होता है। आप यहाँ पे अगर नहीं दिखा रहा है, अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया है तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जॉब ओपनिंग्स में जाओ एंड यहाँ जाके सर्च भी कर सकते हो
ये वेट कर सकते हो, यहाँ पे शो करेगा माई प्रोफाइल में। जैसे मैं आपको पहले वाला दिखाऊं तो मैंने अप्लाई किया हुआ था ऑलरेडी, तो उसके वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे अप्लाइड अप्लाइड शो कर रहा है ना, मैंने सारा अप्लाई किया था इस वजह से शो कर रहा है। तो ऐसे ही आपको ये करना है, एंड यहाँ से आप सर्च करके आप डायरेक्टली, आपको जब वो डायरेक्ट वो मिल जाता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हो। दैट इज मैंडेटरी स्टेप। आप अगर वो नहीं कर रहे हो दैट मीन्स योर लाइक CV इज नॉट क्लियरिंग, आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे, आपका प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पा रहा है। जितने भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाए सब में मैंने वीडियोज बना बना के दिखाया हुआ है, एंड सब में मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ कि हाँ कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है, क्या क्या प्रोसेस आपको करना होता है, वो सारी चीजें मैंने यहां पे दिखाई हैं। डेफिनेटली यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है दैट मींस आपका प्रोसेस क्लियर हो, मतलब ये आपने कर लिया होगा एंड आप आगे बढ़ गए होगे प्रोसेस में। अगर नहीं तो आप कॉमेंट करके बोल सकते हो, अपन डेफिनेटली कोशिश करेंगे और भी चीजें और भी क्लियर करने की, बिकॉज काफी लोग यहां पर काम भी कर रहे हैं। तो कॉमेंट करके वो भी बता सकते हैं, अपन एक इंटरव्यू वीडियो शेड्यूल कर सकते हैं सो दैट पीपल हु आर न्यू टू द प्रोसेस उनको सारी चीजें मिल रही हो। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीजें थी। अदर देन दैट हम लोग देसी मास्टर पर जाएं, देसी मास्टर पे भर भर की चीजें आ रही होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो ना, काफी चीजें हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। रेगुलर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अपलोड करते रहते हैं, फ्री रिसोर्सेज काफी अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जॉब्स के लिए। अलग फ्रेशर्स हो तो भी उनके लिए भी सर्टिफिकेट आप ग्रैब कर सकते हो एंड आप एक्सपीरियंस वो ग्रैब कर सकते हो डेफिनेटली। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली इस चैनल पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, करियर गाइडेंस वीडियो, काफी चीजें हम लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ भी वीडियोज लेकर आते हैं, एंड जो फ्रेशर्स उनके साथ भी चीजें हम लोग लेकर आ रहे होते हैं, उनके लिए भी चीजें करियर गाइडेंस वीडियोस वगैरह लेकर आ रहे होते हैं कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, हर एक चीज आ रही होती है। अदर देन दैट हमारा एक मजेदार चैनल भी है, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिसमें हम लोग मस्त मस्त व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं जो डेफिनेटली आप अगर फॉलो करते हो तो काफी मजा आने वाला है, एंड काफी चीजें हम लोग वहां पर डालते रहते हैं जो एक्सपीरियंस रिलेटेड होता है। जैसे मैं डेटा इंजीनियर हूं, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, काफी चीजें मैं घूमने फिरने से रिलेटेड भी चीजें शेयर करता रहता हूं, कैसे लाइफ होती है वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, ठीक है। डेफिनेटली आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर आपको पर्सनली कोई चीज पूछनी है तो वहीं पे आप कनेक्ट होकर तुरंत ही पूछ सकते हो, ऑडियो मैसेज वैसेज भेज के मैं भी वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीजें थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।